तो अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरे प्रोसेस के लिए फॉर्मूला। याद है इससे पहले किसके लिए देखे थे? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। कैसा होता है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें डीटी क्या होता है? जीरो। अब देखने वाले हैं जीरो एडियाबेटिक के लिए। किसके लिए? एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा होता है कोई बताओ? जीरो जिसमें Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? जीरो, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक हाँ सुन है, अगर याद आ रहा है तो मुझे बताओ इसमें वर्क क्या होगा, किसके बराबर होगा? एडियाबेटिक में इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैं वर्क का पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं du इज इक्वल्स टू, सॉरी, du इज इक्वल्स टू q प्लस w, होता है कि नहीं होता? जब q ही जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? इंटरनल एनर्जी चेंज, डीयू, डीयू बराबर क्या हो जाएगा? तो तुम्हारे सामने दिख रहा है भाई, डीयू बराबर क्या है यहाँ पे? वर्क। और वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी के सेंस में क्या होगा? अरे बोलो भाई, क्या होता है? NCPdT लिखे या NCVdT लिखे, क्या लिखे? एनर्जी चेंज के लिए मैंने बताया था कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, याद आ रहा है? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भैया कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ हीट एट कांस्टेंट हाँ वॉल्यूम सर को क्या बोल रहे थे? डीयू, डीयू यूज कर रहे थे। और डीएच किसके लिए? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या प्रेशर योगेश भूल गए क्या? हाँ नहीं सर यहाँ क्यूपी यूज करते थे, यहाँ क्यूवी यूज करते थे। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे? वर्क, वर्क हम NCVdT लिखेंगे, NCVdT। तो DU बराबर क्या लिख दें? N मोलर हीट कैपेसिटी, CVdT, है ना? होगा कि नहीं होगा? अच्छा CV का फॉर्मूला क्या था? CV का फॉर्मूला DT, सीवी का यूवी अपॉन एनडी। NDT, है ना? याद आ रहा है योगेश दादा? QV हाँ अपॉन सर NDT। एंड हाँ तो क्यूवी बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि क्यूवी को ही तो हम लोग डीयू कहते हैं ना। तुम बोलोगे हाँ हाँ बात तो सही है, ठीक है, बात तो सही है। और क्यूवी मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ रही हो ममता? समझने का प्रयास कर रही हो थोड़ा हाँ सा? सर हाँ थोड़ा सा बस करो कोशिश, हम तुम्हारे साथ हैं। आइए आगे आते हैं। एंथैल्पी चेंज के बारे में कौन, ये डी लिख देते हैं, एंथैल्पी चेंज के बारे में कौन बताएगा? रुनाली बताएगी क्या?
बताओ। लगता है मृणाली डर के भाग गई। नहीं अरे सर, मृणाली बताओ भाई, डीएच क्या होगा? एनसीपीडीटी, खत्म। और क्या? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सीपी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यूपी अपॉन एनडीटी। क्यों योगेश दादा? वही है ना, भी की जगह पी बच, और क्यूपी बराबर क्या हो जाएगा? क्यूपी बराबर हम जानते हैं डीएच होता है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? डीएच इज इक्वल्स टू एनसीपीडीटी, है ना। और सर सीवी मतलब क्या होता है? सर सीवी मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यानी कितना हीट आप ट्रांसफर करते हो उसके अंदर, एक मोल गैस के अंदर, कि 1 डिग्री तापमान बढ़ जाए। क्यों मृणाली, यही था क्या कहानी? अच्छा हाँ ठीक है, सर, हाँ देख रहे हो भाई कितने तेज हैं ये लोग। चलो किसको बोल रहे हो सर? ओमकार को? नहीं ऐसे है। अब मुझे ये बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस कैसा होता है? स्टेट फंक्शन होता है या पाथ फंक्शन? तुम बोलोगे सर पाथ फंक्शन तो तीन ही चीज होता है, कौन कौन सा? वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, बाकी सब तो स्टेट होगा, तो ये भी स्टेट फंक्शन है। इसीलिए ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और मुझे एक बात बताना, जो चीज पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, उसका वर्क कैसा होगा भाई? उसका रिवर्सिबल इररिवर्सिबल दोनों ही वर्क बराबर होता है। चाहो तो नोट कर लेना, मैं लिख दूं कहीं पे नोट, इधर आओ हाँ सर, लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट। वर्क ऑफ एडियाबैटिक, क्यों वर्क ऑफ एडियाबैटिक क्यों है ऐसा? ये देखो, यहां मैंने नोट करके पहले भी लिखवाया था, नोट करके मैंने पहले भी लिख, देखो इसका वर्क, एडियाबैटिक का ही वर्क का फॉर्मूला निकाले हो ना, वर्क ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, मैं अच्छे से लिख देता हूं, किसके बराबर आया है? डीयू के बराबर। और डीयू खुद क्या है दोस्त? डीयू खुद क्या है? अरे बोलो तो, डीयू है स्टेट फंक्शन, डीयू क्या है? फंक्शन तो वर्क ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? वो भी स्टेट फंक्शन हो जाएगा कि नहीं? वर्क ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? स्टेट फंक्शन। वैसे वर्क खुद में क्या है? पाथ फंक्शन। बट एडियाबैटिक के केस में क्या हो जाता है वर्क? पाथ फंक्शन होता है। योगेश दादा कोई दिक्कत है? एडियाबैटिक के केस में वर्क कैसा हो जाएगा? स्टेट फंक्शन। जबकि स्टेट नॉर्मली फंक्शन कैसा होता है वर्क? पाथ फंक्शन होता पाथ है ना। हस लेकिन एडियाबैटिक के केस में याद रखना भैया, एडियाबैटिक के केस में ये पाथ फंक्शन नहीं है, इसीलिए वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू वर्क डन रिवर्सिबल, सबका वैल्यू किसके बराबर होता है? डीयू के बराबर, ठीक है। ममता तुम तो बोलो भाई, हाँ ठीक है। और इन सब का सर, वैल्यू कितना आता है ये भी लिख दे क्या? रुको, एन सी वी डी टी, यही है ना, इनका वैल्यू कितना आता है? एन सी वी डी टी। क्यों? सीवी अभी देखो ना, डीयू का वैल्यू निकाले हो ना यहाँ, तो इनका वैल्यू आता है एन सी वी डी। क्या मृणाली चमका नहीं क्या? समझा सर। तुम अच्छे से नहीं समझ पाती हो ना कभी-कभी। समझती हूँ सर। अच्छा ठीक है, अगर समझ रही हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज दिक्कत है। आगे बढ़े क्या? हाँ सर, चलो आगे हाँ बढ़ते हैं, सर, क्यों ना आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में बात करें। कौन सा ओमकार जानते प्रोसेस? हो, आइसोकोरिक जानते हो क्या होता है? नाम सुने हो कभी धरती पे? हाँ सुना तो था। सुने थे, पहला था आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबेटिक, तीसरा आइसोकोरिक। क्या होता है भाई आइसोकोरिक, कौन बताएगा? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, वेरी गुड। आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम दोस्त कांस्टेंट रहता है। मुझे एक बात बताना,
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है मृणाली? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, इनटू ठीक है, इंटू डीवी। तो क्या वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो वर्क डन जीरो में लिख दूं क्या, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो? डीवी। हाँ हाँ सर लिख दो। क्या योगेश दादा हो जाएगा ना, वॉल्यूम क्या हुआ है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ वर्क ही जीरो है, ना डीयू के बराबर है ना किसी के बराबर है, कुछ नहीं। ठीक, अब आओ मैं हीट का बात कर लूं, करूं ममता हीट का बात करूं। देखो हीट हाँ यानी सर क्यू, आ रहा है ना मजा, काश तुम डेली आती पढ़ने के लिए। आती इधर सर, सिर्फ दो ही क्लास देखो, मिस हुए, वो ही देखना। दो में ही तो खेला हो गया, दो में ही सर तो ये दो जब भी में क्लास मिस क्या करती है तुम्हें ना हाँ सर, बोलो। ये जब भी क्लास मिस करती है ना तभी इम्पोर्टेंट कुछ तो रहता है। हाँ ये तो है। तभी मेरा क्लास मिस हो जाता है ऐसे। हाँ इधर देखो, मैं और ये साइंस बोल रहा हूँ, में तो सब इम्पोर्टेंट होता है। हीट हीट को हम क्यू से डिनोट करते हैं ना, बोलोगे हाँ करते तो है। और मुझे ये बताओ इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तुम लोग बोलोगे डी यू प्लस, सॉरी प्लस बार बार क्यों लिख देते हैं, डी यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू तो यहाँ पे जीरो है ना, दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू तो जीरो है, तो क्या मैं डी यू इज इक्वल्स टू क्यू क्यू लिख दूं? हाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है अभी हीट को 1 मिनट रोक दो, हीट को क्या करो 1 मिनट रुके रहने दो, अभी मैं बताता हूँ हीट का कथा। अब आओ थोड़ा इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा फॉर्मूला मृणाली, बताओ कुछ। इंटरनल एनर्जी चेंज क्या ये तुम हमसे पूछोगी? अरे भैया डी यू इज इक्वल्स टू डायरेक्ट मैं एन सी वी डी टी लिख देता हूं ना। पीडीटी हाँ देखो ना मृणाली को समझ ही नहीं आया क्या क्या चल रहा है, क्या भाई मृणाली लगता है खाना खा रही है, कॉलेज हो गया ना। योगेश दादा कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि हम जानते हैं सी वी बराबर क्या होता है, क्यू वी अपॉन एन डी टी, और हम इसको इधर डाल देंगे तो सी वी एन सी वी डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू वी। और क्यू वी ही तो कहते हैं डी यू को, क्या कहते हैं, सही बात है कि नहीं है योगेश? तो डी यू बराबर एन सी वी डी टी। अब जब डी यू का वैल्यू योगेश हमें पता चल चुका है तो क्यों ना हम वही डी यू का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे, ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दे क्यू के लिए यहाँ पे, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? सर 5 मिनट में नहीं बोलूंगा, नॉइज पॉल्यूशन है लगता है, उसका भाई उछल कूद मचा रहा। तो क्या मैं इधर लिख दूं ऐसे क्यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी? हाँ क्यों योगेश? और एंथैल्पी चेंज का क्या होगा, योगेश तो जानता ही है एन सी पी डी टी है ना, वही घिसा पिटा फॉर्मूला, कांस्टेंट प्रेशर वाला तो एंथैल्पी होता है ना। ये टर्म याद है ना योगेश, या भूल गए, बहुत हाँ सर इंपॉर्टेंट टर्म है। याद है ना। ओके एंथैल्पी चेंज यानी डीएच, क्या लिखे भाई डीएच का, एन सी पी डी टी। अब क्यों ना आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में बात कर ले जल्दी से, है ना, चले आगे बढ़े। रुकिए ओमकार तुम सर, लिख लो, ओमकार तुम समझ रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो या समझने का नाटक कर रहा रहे हो? हूँ, समझ रहा नाटक हूँ। नाटक वो ममता जैसा नहीं हूँ सर मैं। कर रहा सर है। सर उससे पूछा अभी आपने क्या बोला तो पता चलेगा। बोर डोरी उडो बट दिशा ना का तुला निस्तय हो गया मंत्रित हाँ मंडले। चलो भैया आगे आ जाओ।
कल तुम भी ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ रही थी। ब्रेन हाँ सर वो राइट ब्रेन में राइट कुछ राइट गया? वो तो हाँ काम थोड़ा से तो जाएगा गए। उसके। क्या चीज समझ में आया जरा बताओ उसके बारे में। नहीं क्या क्या बोल गई? पढ़ा, म्यूजिक सुन रही ओ सर, उसका ब्रेन उसको थोड़ा म्यूजिक थोड़ा सुने पढ़ा ऐसा था। बोल रहा था। पूछो कोई नहीं कोई नहीं, तो सर क्या पढ़ा उसने? उसको खुद नहीं पता कि वो क्या पढ़ी। क्या पूछे उससे? अरे सर इतने सारी चीजें एक ब्रेन में कितने और क्या, ना? आमी मुझे का एक बार आमी का सिर्फ आप पता आजकल। बट कोई नहीं, ब्रेन को गोली मारो, इधर आओ। मुझे ये बताओ, मिड ब्रेन हिंड ब्रेन होता पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है क्या? है ना? तो क्या मैं तो वी इज इक्वल्स टू NRT/P लिख सकता हूं क्या? बताओ। लिख सकते हैं क्या? बोलते जाओ हाँ सर बस। और अगर मृणाली में ऐसा लिख सकता हूं तो मुझे बताओ आइसोबारिक प्रोसेस में क्या P कांस्टेंट हो जाएगा? हाँ सर ठीक है, मैं बोल रहा हूं मोल को भी रखो कांस्टेंट, N ही रहने दो। तो वॉल्यूम डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। यानी वॉल्यूम में कुछ भी इधर उधर करेंगे तो कौन चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? टेम्परेचर। आया ना? ठीक है, इतना बात बस याद रखो। अभी इसको कोपचे में रहने दो, लिखना मत। वर्क का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? तुम बोलोगे वर्क का फॉर्मूला जानते हैं, -P एक्सटर्नल। ये कौन सा वाला एक्सटर्नल होता है मृणाली गैस के सेंस में? उसका फाइनल वाला। फाइनल क्यों योगेश, ग्राफ याद आ रहा है? वी फाइनल माइनस मीन्स। डेल्टा वी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या चलो मैं डेल्टा वी ही लिख देता हूँ, इतना कॉम्प्लेक्स लिखने से अच्छा डी वी। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं है। नो अब अभी लिखना मत, दूसरा वाला फॉर्मूला मत लिखना। मैं डीवी की जगह अगर ऐसे लिख दूं, मतलब डीवी इज इक्वल्स टू NRdT अपॉन पी, तो कोई दिक्कत है किसी को? यानी पी एक्सटर्नल इनटू डीवी की जगह देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, NRdT अपॉन पी। तो कोई दिक्कत है? पी से पी मारा जाएगा ना, तो मैं डायरेक्ट -NRdT लिख दूं क्या? ये समझाने के लिए था, डायरेक्ट ये लिख दें? कोई दिक्कत है किसी को? नो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्या मैं यहां से तीसरा फॉर्मूला नहीं बना सकता मृणाली? बना सकते तो बनाओ ना फिर। ये इजी वर्क पता चल गया, आइसोबैरिक का वर्क पता चल चुका है, तो क्यों ना हीट का भी पता कर ले। कर ले हीट का पता करें, आओ। यस ममता बताएगी हीट के बारे में। DU इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q प्लस क्यू प्लस W। वर्क सर हाँ, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? DU माइनस W। सिंपल है ना। DU का वैल्यू क्या होगा? ब्रू नाली बताएगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? एनसीईबीटी वेरी गुड। कैसे पता चला? आपने उस दिन सिखाया था ना? अच्छा, उस दिन का बात अभी तक लेके आज बैठी हुई हो? भी कितनी बुरी हो तुम, अभी तक वो बात लेके बैठी हो। पढ़ाई का तो आप ही याद बताओ रखती है ना, सर ममता की तरह बनो, आपको। है ना? बातें लेके वो नहीं बैठती है, जब बोला उसी वक्त भूल जाती है तुरंत। वो दिल पे वो दिमाग में दिमाग कोई भी बात कहा नहीं। ले गए? अच्छा हाँ दिमाग नहीं नहीं आती। सर सर वो दिमाग भी कहा लेके बैठती है। हाँ ये भी, वो दिमाग और दिल पे कोई बात नहीं लेती है, बहुत उसको अच्छी एक चीज इंसान। याद होगी क्या कि उसने क्या खाया मेरे घर पे। क्या बताओ, क्या खाया था? मैंने उसको लाया जबरदस्ती, क्या खिलाया था? समोसे? अच्छा, उसमें जबरदस्ती नहीं लगती है सर। तो फिर क्या खिलाया? डांट?
उसको पूछूं खिलाने क्या मार खिला दिया मार मैंने। फिर मार खिला दी उसने। नहीं सर, उसने मुझे ब्रोकली खिलाई थी। ओ ब्रोकली तो बहुत अच्छा होता है। इतने गंदा होता है, ब्रोकली इज गुड। बिल्कुल भी वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते है, सिर्फ बाहर का ही खाना चाहिए उसको भाई ऐसा मत करो, तो। बिल्कुल ऐसा मत करो, मानसिक रूप से समाप्त हो जाओगी ममता, ऐसा मत करो। ठीक सर, है, मैं ब्रेन कुछ बाहर खाना चाहती, आप मेरी मम्मी से पूछ दो, क्योंकि बाहर का अगर खाने से तेज, ना मुझे पता है, उसकी ब्रेन अगर तेज मम्मी रखना है ना, तो घर पे रहती है। ब्रेन अगर तेज रखना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाया करो, और अगर ब्रेन आप है ही ही नहीं तो फिर बना तो कोई बात नहीं हो सकता, फिर तो कोई बात ही नहीं। वो तो है ही भाई ना सर, उसको ओमकार से तो बोलो ज्यादा ही होता है, आप क्या वो होके करे, भी उसका कुछ। घुटने में और तुम चला कंपेयर गया करने के लिए ओमकार ही पकड़ती हो, छी उसी से कंपेयर करती हो कि मुझे उससे ज्यादा ब्रेन, सर, मतलब क्या बताया, आपसे थोड़ी कंपेयर कर सकती हूँ फिर, क्यों करो भाई, हम तो आपसे कहते हैं तो कम आइंस्टाइन ही। से करो। उतना उतना दिन उतना दिमाग नहीं है, जाने दो सर। तुम दिमाग को किस सेंस में देखते हो मुझे ये समझ नहीं आता, आपका थिंकिंग स्किल क्या है, ये नहीं कि दो फॉर्मूला आपको याद हो गया तो आपके पास ज्यादा ब्रेन है, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोगों से बड़े बड़े सर जो लोग हैं ना, सीनियर लोग, उनके पास ज्यादा दिमाग होता है, पता है, वो पढ़े लिखे हो या ना हो, सामाजिक ज्ञान सुनिए, आपने वो टेस्ट अनुभव। बताई थी ना, हाँ हाँ वो वो ब्रेन वाला ममता पे था, भी करनी पड़ेगी हाँ वो कर सकते हो क्या सर। कल का फिर। टेस्ट फिजिक्स का, यूनिट और डायमेंशन, वाओ ग्रेट, क्या वाव। सही तो है, उसको अच्छा गया ना, डायमेंशन में अच्छा गया। सर मुझे मालूम था। ऑर्डर ऑफ वर्क डन है दोस्तों, ये आइसोबैरिक का वर्क डन ज्यादा होता है, क्यों ज्यादा होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस का वर्क डन का वैल्यू होता है पी डेल्टा वी, उसके बाद होता है आइसोथर्मल, पढ़े थे ना आइसोथर्मल, याद आ रहा है क्या होता था उसका वर्क डन दोस्तों, आइसोथर्मल का उसका इरिवर्सिबल का होता था पी डीवी होता था, और ये रिवर्सिबल का 2.303 एन आर टी लॉग VF अपॉन VI या फिर PI अपॉन PF, है ना कुछ ऐसा था, यही था सर। हाँ ऐसा कुछ। उसके बाद हमारे पास आता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक का क्या था दोस्तों, एडियाबैटिक का तो अभी अभी पढ़े हैं तुम्हें लोग, बता दो क्या था वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, हाँ इंटरनल एनर्जी के बराबर था ना, हाँ और उसके डीयू बाद क्या इक्वल है आइसोकोरिक, यस आइसोकोरिक में तो सामने है वर्क डन जीरो, जीरो है ना, था। था नहीं है अभी भी जीरो ही है। ठीक है, हाँ मतलब जीरो ही होगा। लिख डाले, आगे बढ़े, दो चार सवाल ले ले गर्मा गर्म, अच्छा सा हो जाएंगे कर, सर सवाल सब। आराम से सॉल्व होंगे, आराम से लेते हैं ना बहुत सवाल, तेज अगर लिख चुके हो तो। देखो कंसेप्ट के बाद सवाल अगर नहीं सॉल्व किए तो फिर मजा नहीं आता है, क्या कहते हो दोस्तों, हाँ सर। ठीक है सर। सर ये ममता कह रही है ना कल का पेपर उसको इजी गया था, उसके रिजल्ट के दिन समझेगा कितना इजी गया था। नहीं वो बनाई हाँ होगी, जैसे कि ओमकार आने वाला है मेरा रिजल्ट देखने। नहीं वो तो बताएगी ना, स्क्रीनशॉट निकाल के डाल देगी ग्रुप पे। क्यों ऐसा ऑब्लिगेटरी है क्या, मतलब ये जरूरी है क्या, हैं नहीं अच्छे मार्क्स हो गए तो डाल देगी, नहीं होंगे तो छुपा लेगी। वो वर्बली भी बोलेगी तो हम लोग मानेंगे इस बात को, हाँ वो तो है वही ना। तो। ममता दिमाग रिकवर करायचं बघ, आता शिका करावीचंय, 12वी आणि लय पुढे आहे। गप्परी अभ्यास कर, काम कर। पहिले तुझ्या घरी
ये सवाल जल्दी से सॉल्व कर लो दोस्तों। तो डायरेक्ट जे ही लिख देते हैं ना। ऑप्शंस वैसे ये गैस कांस्टेंट का वैल्यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में देता ही है, जहां पे यूज पड़ता है ना वहां वो दे देगा, कहीं कहीं तो मूर्ख भी बनाने के लिए दे देता है। None of the above। चलो भैया बता दो, खटा खट बता दो। ये तो बहुत इजी है योगेश दादा, बहुत इजी है। तुमको सीवी का वैल्यू दे ही दिया, अब बताओ क्या चाहिए, क्या क्या उम्मीद करते हो और क्या दे तुम? सब कुछ लिख दे। जमीन जायदाद भी लिख दे क्वेश्चन वाला। नहीं ना, तब तो लिख के दे ही दिया। सर आपने इस पे जमीन जायदाद का भी लिख दिया तो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास थोड़ी आ जाएगा। वही बोल रहे हैं ना, इसका जवाब तो दो। अब देखो इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो, ताकि तुम लोगों को पता चल जाए कि सॉल्व करना कैसे है। जैसे ही हमें मोलर हीट कैपेसिटी दे दिया, तो हमें हमारे मन में एक सवाल, एक चीज आया कि जरूर इस प्रोसेस में हम इस चीज का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। और पूछा क्या, वर्क डन पूछा है, वो भी एडियाबेटिक प्रोसेस का। एडियाबेटिक मतलब क्या होता है दोस्त? एडियाबेटिक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, और हम याद रखना, ज्यादातर इंटरनल एनर्जी का यूज करना रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। और हम जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए या किसी भी चीज के लिए डीयू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और यहाँ क्यू तो जीरो हो गया ना भाई, ये तो जीरो हो गया, तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा? सीधा का सीधा डब्ल्यू हो जाएगा। और डी यू बराबर हम एडियाबेटिक के लिए, और डी यू बराबर हम जानते हैं क्या होता है? एन सी वी डी टी होता है कि नहीं होता है होता बताओ। तो अब हो गया ना, सब तो दे ही दिया, एन सी वी डी टी नहीं होता है क्या? होता अब मोल का वैल्यू तुमको दे दिया, 1 मोल H2 गैस। टेम्परेचर चेंज तुम कैलकुलेट कर सकते हो, 300 केल्विन से 400 केल्विन, तो कितना चेंज हुआ है? 100। कितना चेंज हुआ? 100 का सौ चेंज हुआ है ना, कर लो फिर कैलकुलेट कर लो। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी वी डी टी, एन की जगह 1, सी वी की जगह 5/3, आर का वैल्यू है 8.314 और डी टी का वैल्यू है 100। कर लो सर, जो भी आए वही आंसर, ठीक है। इजी था। हाँ सर। सब पर क्यों 0 क्यों आया? अरे चंपू चंपू इधर देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है जरा बताना तो। जिसमें क्यों 0 है। जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, उस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। हे भगवान, मैं ये क्या देख रहा हूं। अरे यही होता है ना मृणाली, तुम भी तो कुछ बोलो, एकदम शांत से वही बैठी हो। तो होता चलो वही होता है तो एक और सवाल ले लो, कर लेना इसको कैलकुलेट। योगेश दादा एक और सवाल, आओ। 2 मोल H2, सर। हाँ
इस ममता को म्यूट तो करने को बोलो ना, वो गुनगुन कर रही है। उसका आवाज तो बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ी कहा उसका बेसुरा है, पर वो गुनगुन कर रही है ना। तो सुबह सुबह कोयल का आवाज कान में जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, इतना भी अच्छा नहीं है सर, जाने ठीक दो सर। वो तो फिर झाड़ पे ही चढ़ जाएगी। रोनाली सॉल्व हो पाएगा क्या? होएगा ना सर सॉल्व? दस नहीं 12 घंटा लेट है। बताइए दोस्तों, बताइए इसका आंसर, बताइए तो जरा जल्दी से। हाँ, बताओ बताओ, ये देखते हैं कौन बताता है। सर कुछ अलग नहीं है क्वेश्चन? सवाल एकदम सही है और हलवा है, हलवा जीरो है भी क्या है। आंसर सर? जीरो है, एकदम सही। क्यों है आंसर जीरो बताओगी? मृणाली को बताने दो हाँ, लॉजिक। वॉल्यूम कांस्टेंट है और वेरी मतलब गुड, आइसोकोरिक। बस सीधे ये देखो, खत्म। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी आइसोकोरिक प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद कुछ देखना ही नहीं है। देख रहे हो योगेश दादा, इस पूरे थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ आपको वर्ड को ध्यान देना है, टर्मिनोलॉजी। कांस्टेंट वॉल्यूम, आंसर जीरो, क्योंकि ममता वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी एक्सटर्नल माइनस साइन के साथ इंटू डीवी। जब वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो चेंज क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू जीरो, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म। ऐसा ही कुछ की तुम ब्रूनाली। हाँ हाँ सर, एक और सवाल ले लो फिर, दे दे क्या ले लो। हाँ सर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। आज लोकर का उठ लो पापा। क्या कुछ नहीं म्यूट सर, करेगा भाई तू? तो बताइए। रुनाली बोलो। ऑल ऑफ दिस वेरी गुड योगेश, यही आया आंसर, ऑल द अबव, यस सर। एकदम सही भैया। हीट तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा ही नहीं। जब हीट ही ट्रांसफर नहीं होगा तो डीयू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के, क्योंकि हम जानते हैं डीयू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू जीरो है तो डीयू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के बराबर। और वर्क डन तब क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन, क्योंकि डब्ल्यू के बराबर है ना, ये देखो डीयू के बराबर है, सॉरी। तो ये स्टेट फंक्शन। एक और दे दे क्या लास्ट ले लो, लगता है
क्रांति चल रहा है ब्रुनाली के यहाँ स्कूल जाने का। वो हाँ सर, बर्तन मांज रही है सर। सर पता है नई अच्छा, रिकॉर्डिंग होने के बताऊंगी। उसके बाद बताना, लेकिन याद से बता ही देना। हाँ सर। सॉल्व करो ना करो, पहले ये क्वेश्चन लिख लो, है ना। ममता, क्वेश्चन लिखी क्या? हाँ सर। लेकिन हम तो अभी भी लिख रहे हैं। बाकी के क्वेश्चंस लिख लिए, अभी उसको भी लिख ज्यादा रही दिमाग हूँ। दिया है सर भगवान ने। जो कभी कभी स्टार्ट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1 ATM लीटर इज इक्वल्स टू 100 जूल। याद है, इससे पहले भी दिया था 1 ATM डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 जूल। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, मालूम है ना ये सब बात? नहीं दिया हो तो भी पता होना सर चाहिए। ये क्वेश्चन जल्दी से लिख लो, फिर आराम से इसको सॉल्व कर लेना। सर डी वाला है क्या? डी वाला? नहीं, गलत है। हर बार ऐसा नहीं दे सकते ना, नन ऑफ द अबव। इसको सॉल्व करो, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।